दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आई है, जहां एक शादीशुदा महिला ने अपनी सहेली की खुशी के लिए अपने ही पति से शादी करा दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, यहां मोनिका नाम की लड़की जब भी अपने घर के कामकाज से फुर्सत पाती तो वह अपने शादीशुदा सहेली पिंकी के घर आया जाया करती थी। इसी बीच उसका सहेली के पति विनय कुमार से टांका फंस गया और दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब दोनों आए दिन कॉल और व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू बातें करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों को जिसकी भूख सताने लगी और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो गए। तभी एक दिन मौका पाते ही विनय कुमार अपने पत्नी की सहेली मोनिका को अपने घर बुला लिया, जिसके बाद दोनों ने अपने जिस्म की भूख को पूरा कर लिया। दोस्तों, जब एक बार अवैध संबंध बन जाता है तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। ठीक वैसे ही अब आए दिन मोनिका अपनी सहेली पिंकी को धोखा देकर उसके पति विनय कुमार के साथ मजे से शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। इधर विनय कुमार भी अपने पत्नी पिंकी को धोखा देकर उसकी खूबसूरत सहेली मोनिका के साथ रंगरेलियां मनाने लगा था। अब दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे और आए दिन एक दूसरे के जिस्म की भूख को पूरा कर रहे थे। इसी दौरान बार बार संबंध बनाने से मोनिका के पेट में गर्भ ठहर गया। जब इसकी जानकारी उसने अपनी सहेली के पति को दी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे तुरंत मिलने के लिए गांव के बाहर बगीचे में बुलाया। जब वह बगीचे में गई तो उसने कहा कि आज के बाद तुम हमारे घर मत आना और ना ही हमारे पास आज के बाद कभी कॉल करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनते ही मोनिका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई और वह उदास होकर अपने घर चली आई, जिसके बाद मोनिका बहुत परेशान हो गई। एक दिन की बात है, मोनिका अपने घर की साफ सफाई कर रही थी तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। तबीयत बिगड़ता देख उसके माता पिता उसे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे 2 महीने का गर्भवती बताया। यह सुनते ही माता पिता के होश उड़ गए और बेटी को वापस घर ले आए। घर लाने के बाद जब बेटी मोनिका से कड़ाई से पूछताछ की तो वह सारी बात अपने माता पिता से बयान कर दी, जिसके बाद परिवार वालों ने मोनिका के सहेली पिंकी को अपने घर बुलाया और उसके पति के काले करतूतों के बारे में बताया और कहा कि बेटी अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। यह सुनते ही वह अपनी सहेली मोनिका के पास गई और बोली कि तुम क्या चाहती हो, मुझे बताइए, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वे अपने सहेली के हाथ में हाथ रखकर साथ रहने की बात कही। ये सुनते ही शादीशुदा सहेली उसे अपने गले लगा लिया और अगले दिन मंदिर में ले जाकर गांव वालों के सामने सहेली के अपनी ही पति से शादी करा दी और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और सतर्क धन्यवाद।